Let alpha be the real number such that the coefficient of x raised to the power 125 in Maclaurin series of x plus alpha cube e raised to the power x is 28 upon 124 factorial, then alpha equals. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ x प्लस अल्फा क्यूब आउटसाइड e रेज टू द पावर x, इसकी जो मैक्लॉरिन सीरीज है इसमें x रेज टू द पावर 125 का कोफिशिएंट जो है यानी कि इसके सामने का जो नंबर है वो है 28 अपॉन 124 फैक्टोरियल. तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि जो गिवन है उसमें e रेज टू द पावर x इन्वॉल्व है तो e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन देख लेते हैं. तो वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आप सभी जानते हैं, एंड सो ऑन. अब हमें चाहिए x प्लस एल्फा क्यूब, तो इस एक्सप्रेशन को या एक्सपेंशन को हम x प्लस एल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड. तो x प्लस एल्फा क्यूब e रेज टू द पावर x, तो हर एक टर्म को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे. तो x प्लस एल्फा क्यूब, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी हमारी, प्लस x प्लस एल्फा क्यूब और आउटसाइड जो x है, x प्लस एल्फा क्यूब आउटसाइड हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा. तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो x रेज टू द पावर 125 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो आप यहाँ पर देखिए x रेज टू द पावर 125 कब आएगा, जब यहाँ पर x होगा यानी कि यहाँ पर 124 अगर किसी तरह से हो जाए, सपोज करो आगे तक हम बढ़े, तो x प्लस एल्फा क्यूब और x रेज टू द पावर 124 अपॉन यहाँ पर सपोज करो 124 फैक्टोरियल आएगा. तो और एक जो टर्म आएगी इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, x प्लस एल्फा क्यूब एक्स रेज टू द पावर 125 अपॉन 125 फैक्टोरियल. ये जो दो टर्म्स हैं ये हमें x रेज टू द पावर 125 x रेज टू द पावर 125 का कोफिशिएंट देंगे. कैसे, क्योंकि ये जो x आउटसाइड है जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएगा तो ये हमको देगा x रेज टू द पावर 125 अपॉन 124 फैक्टोरियल और यहाँ से ये जब इस अल्फा क्यूब को मल्टीप्लाई कराएगा तो ये यहाँ से भी हमें x रेज टू द पावर 125 मिलेगा. तो अल्फा क्यूब x रेज टू द पावर 125 अपॉन 125 फैक्टोरियल. और ये जो आपको यहाँ से x रेज टू द पावर 125 है इसका जो कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट आपको 28 अपॉन 124 फैक्टोरियल दे रखा है, वो दे रखा है आपको 28 अपॉन 124 फैक्टोरियल. ये हमें गिवन है, ये गिवन फैक्ट को हमने यूज किया. तो अब आप x रेज टू द पावर 125 इसको आउटसाइड लिख लीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए 124 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर भी 124 है और इसमें भी 124 है. कैसे, जो फैक्टोरियल होता है वो मल्टीप्लाई होकर जाता है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार आएगा 124 इंटू 125. तो यहाँ से 124 फैक्टोरियल इंटू 125, ये आपका यहाँ से 124 फैक्टोरियल हमने एक तरह से आउटसाइड ले लिया है. तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 1 और यहाँ पर बचेगा अल्फा क्यूब अपॉन 125 इक्वल टू 28 अपॉन 124 फैक्टोरियल. अब ये 124 फैक्टोरियल से 124 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है और कोफिशिएंट क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है आपका ये, यानी कि 1 प्लस एल्फा क्यूब अपॉन 125 इक्वल टू 28. अब इसको माइनस करा दीजिए आप, तो इसको अगर आप माइनस कराएंगे तो ये आपका 27 मिल जाएगा. तो आपको मिलेगा एल्फा क्यूब अपॉन 125 इक्वल टू 27. तो अल्फा क्यूब आपको क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब मिलेगा 27 इंटू 125. अब यहाँ पर क्या होगा, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ से 3 आउटसाइड आएगा और यहाँ से 5 आउटसाइड आएगा, तो अल्फा इक्वल टू आपका 15 इसका आंसर होगा. तो जो आपसे पूछा गया था अल्फा इक्वल्स, तो अल्फा इज 15.